चप्पू में आराम से। तो दोस्तों एक कांड हो गया मेरे साथ, बस 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 मेरी ना यादें पैर की हुए नमन और हम तुम्हें खा के आएंगे। स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से, अभी बज रहे हैं सुबह के 10। मम्मी के हाथ पैर धो दिए हैं, अब ना पानी ले जाते हैं गर्म पानी। तो पानी भी गर्म हो गया है भाई, ये बहुत टाइट है यार। अब ना पानी ले जाते हैं मम्मी, और टाइम पे ना यहाँ आ जाती नहाने के लिए ऊपर वाले बाथरूम में। अभी जो है ना फिलहाल सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना मम्मी को, तो नीचे वाले बाथरूम पे ले जा रहा हूँ पानी में, तो वहीं नहा लेंगे। दोस्तों मम्मी को भी ना भूमि ने नहला दिया है और यहाँ पे बैठ रहे हैं, मस्त धूप सेक रही है यहाँ पर। ये देखो आज कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से नींद आई थी ना, डॉक्टर ने मना किया था इसलिए। और ना आज ना सामूहिक भोजन होने वाला है गांव में, क्योंकि ना होली का लास्ट डे है, तो पूरे गांव ने ना एक साथ बना रखा है खाना ऊपर, गांव के बीच वाले मकान में बना रखा है। तो मैं भी जा रहा हूँ खाने के लिए, मम्मी के लिए मैं यहीं लेके आऊंगा, भाई और मैं जाते हैं, पापा तो सुबह से वहीं हैं और भूमि आएगी नमन को फिटिंग करा के। तो दोस्तों भाई और मैं जाने लग गए हैं, और ना भाई के गले आ रहा, दिखा ना ये देखो तो हम जा रहे हैं खाने के लिए। भाई बर्तन बर्तन ले जा रहा है मम्मी के लिए, वो देखो भाई मम्मी के लिए खाना ले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मम्मी के लिए घर ही खाना है वो खाना नहीं और हम तो ये खा के आएंगे। नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खा के आएगा, साथ में खा के? ना ना भाई खा के आएगा, आज डाइटिंग में बहुत पतला होना है भाई। अब कितना पतला हो गया भाई, उड़ जाएगा, उड़ गया ये सिसून लग गया भाई को। चलिए फटाफट खा के आते हैं। मेरो माया को आधार तिमी नै हो, मेरो माया को आधार तिमी नै हो, मेरो सारो यो संसार। तो हम हैं पनीर वाले, बाकी ना ये मीट वाले हैं सब ना? तो हम खा रहे हैं पनीर, ये एक ही हो गए, दो हम हो गए, दो चार लोग और हैं पनीर वाले, बाकी सब चिकन वाले हैं। तो दोस्तों मैं खाना खा के आ चुका हूँ, भूमि तो अभी वहीं है, वो लास्ट पे आएगी, क्योंकि ना औरतें से भी लोग थोड़ा थोड़ा बर्तन मलते हैं ताकि एक पे लोड ना पड़े। अब चलते हैं ऊपर, मम्मी और भाई तो अपने यहीं ला गए थे, भाई लेने आया था। दोस्तों आ गए हम ऊपर से खाना खा के, और पापा भी आ गए हैं। अब देखो ना यहाँ पे मस्त तरीके से नमन को सुला रहे हैं, और भूमि ना थोड़ा बहुत काम कर रही है, फिर वो आएगी, इसके बाद नमन को नहलाएगी धुलाएगी। होलियाँ खत्म हो चुकी हैं, अब ना मैं अपना काम करवाने से कंप्यूटर रूम में थोड़ा बहुत सामान एडिट करने हैं और स्टूडियो वालों की, तो वो भी करता हूँ फटाफट से। और ना मम्मी भी धीरे धीरे अब अच्छी हो चुकी है, और ना आज तो नहाई थी बहुत टाइम बाद। हमारी ना होली पूजा भी अच्छे से संपन्न हो गई है, बाकी अब करते हैं घर के कामकाज, क्योंकि खाना वगैरह बनाना है शाम का। अब नॉर्मल डेज है, होलियां खत्म, परसों हो रहा था, अब होली है, होली है, होली, अब होली खत्म हो गए, अब इंतजार रहेगा नवरात्रियों का। तो दोस्तों एक कांड हो गया मेरे साथ, हम जस्ट अभी डिनर करके आ रहे थे रूम पे, मैं थोड़ा बाथरूम लगा हुआ था, बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया भाई साहब, यहाँ पे मोच आ गई है बहुत भयंकर वाली, सूज गया भाई इतना इलाका है, दिख रही बाहर को अड्डी है, पता नहीं नस है, पता नहीं बाहर को सूजी सी दिख रही है यहाँ पर यार। मेरी ना यहाँ पैर नमन मेरी ना यार पैर की ना हमेशा ना दसाई आई रहती है, ये पैर ना बहुत बार हो गया भाई ऐसा, स्कूल टाइम से अभी बहुत दर्द हो रही है यार, मुझे लग रहा है कल तक पैर सूज जाएगा पूरा। ब्लॉग एडिट करूंगा फिर 11-12 बजे तक ही होता रेट मेरा पूरा, फिर जाके सो जाऊंगा, ये लोग तो सो जाते हैं पता नहीं कब सोते हैं रात को। डायरेक्ट कल मिलूंगा फिर आपसे, ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी अगला दिन, और ना मेरे पैर में कल सूजन आई थी ना, मुड़ गया था पैर। भूमि आराम से ऐसे क्यों करते हैं यार। तो गाइस कल शाम को मोच आई थी पैर में, अभी ना इसको हल्दी के पानी से सेका जाता है, लेकिन ऐसे तरीके से सेका जाता है, देखो इतने जोर से मारी जाती है इसमें, मारी जाती है क्या, मैं तो गुस्सा निकाल रही थी अपना, ये लिया जा रहा मेरा बदला। मेरा वाला पैर बहुत सूज गया है, ये वाला देखो कितना अंतर है दोनों में, कुछ नहीं है, सेम हो रखा है। क्यों रखा है सेम यार, ये इधर साइड देखिए सूजन, देखिए कहां सूजन, ये देखिए, ये देख सूजन तो है, ये सूजन ही है यार ये। दोस्तों अभी आए हैं ना भाई के सास ससुर, यानी हमारे ताऊ ताई जी, और भाई ना आज मॉर्निंग में गया था सॉन्ग, तो आज वहीं रहेगा, तो तभी वो लोग आ रखे हैं यहाँ, मम्मी और बिटोला भी लाए हैं। हाँ मम्मी लोगों के लिए बिटोली वगैरह लेके आए हैं, और मम्मी से मिलने भी आए हैं,
साथ ही हमारे लिए लाए थे फ्रूटी एंड चिप्स। और ना फ्रूटी डे के मैंने इन्वेंशन सीखा, पता है कैसे? जो ये होता है ना स्ट्रॉ, तुम स्ट्रॉ कैसे पीते हो, ऐसे डालते हो ना, लेकिन गलत है, स्ट्रॉ को ऐसे डालते हो उल्टा। देखो पूरा पूरा नीचे तक जाएगा ये, इससे बचेगा भी नहीं कुछ। ये मैंने भी देखा था रील्स में आता है, तो ना हमने भी ये रील्स में दिखा था कहीं, ट्राई करते हैं फ्रूटी बचती है नहीं बचती। जनरली हमारी फ्रूटी बच जाती है थोड़ा बहुत ना, इससे बचती नहीं बचती है, देखते हैं ना। हम पैकेट फाड़ के पीते हैं। हाँ हाँ देखते हैं अभी बचती नहीं बचती, पीते हैं। तो हमने ना फ्रूटी की स्ट्रॉ डाल ली है जैसा हमने देखा था रील्स पे। कमेंट करके बताना कि ऐसा किस किसने ट्राई किया है और वो रील किस किसने देखी है ना, और ऐसे अगर खत्म होता है नहीं होता है आपका, हुआ है नहीं हुआ है बताना कमेंट बॉक्स में। वाकई में वो रील में सच था, इसमें ना कुछ भी नहीं बचा हुआ है भाई, बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। आप भी ट्राई करना एक बार अगर जिसने ट्राई नहीं किया है तो। चलो 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 चलो। अभी ना मैं भूमि को स्कूटी सिखा रहा हूँ, क्योंकि ना बहुत टाइम बाद उसको स्कूटी तो आती थी, क्योंकि तो ना बहुत टाइम चलाया भी नहीं था। इसके बाद थोड़ा उस कह रही है कि आजकल मेरा हार्ट सेट करा दो, तो मैं उसका हार्ट सेट करा रहा हूँ। टाइम भी है आजकल, दिन भी लंबे हैं, तो मैंने कहा चलो सीखते हैं। तो फिलहाल ले गई वो स्कूटी ऊपर अकेले, देखते हैं अभी। जाओ जाओ, सीख गई ना, तो असली ट्रेनिंग तो इसमें होती है ना, जहाँ पे से उठाए वहीं पे लगाना, लगाओ लगाओ। पीछे कैसे जाएगी वो तो बताओ? पैरों से जाएगी, इसमें बैक गियर ना होता है, एंड टॉर्क की जगह पे लगाना सेम उसके आगे। तो ऑन करके भी तो लगाना? नहीं, ऑन रेगुलर ऑन करके बैक गियर थोड़ा होता है उसमें यार, कोई तो बता दो। ए बताओ। बस 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 बस, अब वहाँ वहाँ काटो, उधर को सीधा काटो, दो दो धक्का दो ना वहीं को, तो आए को जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ, मैं कह रहा हूँ ना जाओ, उतर के भी कर सकते हो ऐसा, तो तुम ऐसा बोलो ना फिर। पीछे का पकड़ो ये, सीधा आगे, अरे नहीं आगे जाओ थोड़ा हल्का सा, अब हैंडल को ऐसे काटो ऐसे, हाँ पूरा काटो काटो, पीछे पीछे को लगाओ, लाओ लाओ पीछे को लाओ, उधर करो उधर करो उधर को करो 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 करो, पूरा करो पूरा करो ना, उधर करो पूरा, हाँ चेहरा लाल हो गया। गाइस मैं हाथ इस तरह लगा रहा हूँ कि ना भूमि सीखेगी, इन फ्यूचर इसको काम आएगा, कभी अकेले इसको बैग वैक करना होगा ना। कहाँ हुआ है? अरे पागल ताकत में लगाओ यार इतना। कैसे करते हैं वो तो बताओ। मैं बताता हूँ देखो, तुम मेरी वीडियो ना है, ले जाना आगे, ठीक है, ये थोड़ा हल्का ये ऐसे पीछे, हल्का ऐसे, ये 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 बस, देख अलाइनमेंट सही है। तो गाइस बहुत महीनों बाद या एक साल बाद कहूँ कि मैं आजकल ना स्कूटी चलाना फिर से सीख रही हूँ, वैसे तो भूली नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत ना मतलब मोड़ने वगैरह में कंफ्यूजन हो जा रही है, इसलिए मैं उसी को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जा रही हूँ। बाकी स्कूटी वगैरह लगाना डबल स्टैंड में लगाना वो तो मुझसे हो नहीं रहा है, तो धीरे धीरे ना मैं सीख ही लूंगी। अब चलती हूँ घर को, अब मैं भी ना इसी के साथ खाने पीने की तैयारी भी कर लेती हूँ, और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं भूमि मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों। और इनके पाँव में ना अभी तक ठीक नहीं हुआ है ना, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन मैं डुनुक 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 करके चल रहा हूं।